लगातार 10 सालों से खातेगांव के विधायक रह चुके आशीष शर्मा को इस विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। वजह साफ है, क्षेत्र में 10 सालों में कोई विकास कार्य नहीं करना है। खातेगांव सीट को ज्वाता देख उधर भाजपा भी घबराई हुई है, इसलिए यहां मुख्यमंत्री शिवराज को मतदाताओं को लुभाने के लिए आना पड़ा। ऐसा हम नहीं बल्कि देवास जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता यादव कह रही है। इस विधानसभा पर कैसे कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त दिख रही है, देखें सियासी समीकरणों से उलझी खातेगांव विधानसभा को लेकर हमारी यह खास रिपोर्ट। यहां के विधायक को कांग्रेस का भय है। बाहर से जनता बुलाकर वो क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, ये तो उनकी मंशा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब भाजपा का गढ़ कही जाने वाली खातेगांव विधानसभा सीट अब हाथ से फिसलती नजर आ रही है। वहीं भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी की क्षेत्र में सक्रियता भी कांग्रेस की क्षेत्र में मजबूती का बखान कर रही है। लगातार जनसंपर्क और मतदाताओं को रिझाने में कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ रही। दूसरी ओर भाजपा की इस विधानसभा में कोई खास तैयारी अभी तक देखने को नहीं मिली। लगातार दो बार की जीत से आश्वस्त आशीष शर्मा की मुश्किलें इस बार बढ़ती दिख रही है। विधायक आशीष शर्मा के विकास कार्यों की पोल खोलती तस्वीर। कांग्रेसियों ने बताया विधायक शर्मा को है हार का भय। खराब सड़क के कारण गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को क्यों करना पड़ी क्षेत्र में रैली। पूर्व मंत्री दीपक जोशी हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। खातेगांव विधानसभा से कुछ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसने दो बार के भाजपा विधायक आशीष शर्मा के विकास कार्यों की पोल खोल दी। चाहे वो नौनिहालों का जान जोखिम में डालकर नदी का पार करना हो या फिर खराब सड़कों के कारण गर्भवती महिला को लकड़ी में कपड़े की झोली में बांधकर ले जाने का मामला। इन मुद्दों ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले क्षेत्रीय विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों की जनता के सामने पोल खोल दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 31 जुलाई को खातेगांव में जन रैली की गई। उसके बाद से कांग्रेस नेताओं ने सीएम के रोड शो और विधायक आशीष शर्मा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। देवास जिला महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संगीता यादव ने कहा कि यहां के विधायक आशीष शर्मा ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, जिसे लेकर उनमें हार का भय है। उन्होंने क्षेत्र में कांग्रेस का पलड़ा भारी होने की बात भी कही। उनका साफ कहना है अगर क्षेत्र में विकास कार्य किए तो सीएम शिवराज को यहाँ रैली करने की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ के विधायक को कांग्रेस का भय है, वो इसलिए है क्योंकि जहाँ पर देखो वहां पर जैसे सर्वे हो रहा है तो कांग्रेस ही सबसे आगे आ रही है और ज्यादातर बीजेपी से लोग उब गए हैं। महंगाई देखो आप कहाँ से आसमान छू रही है, इसके अंदर किसानों को सही भाव दाम नहीं मिल रहे हैं और रोडों का काम नहीं हो रहा है। अब नदी भी पूर्व वाले गांव में आपने पूर्व नहीं इधर देखा तो उधर के लोग सब आक्रोशित हो गए, बीजेपी से उब गए हैं। इस कारण कांग्रेस का पलवा भारी है, इसलिए बड़े 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 नेता जैसे आज मुख्यमंत्री ने रोड शो करा है तो वो इसलिए करा है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का पलवा जा रहा भारी है। आपने देखा कि नेवाबर में विगत दिनों 4 हत्या हो गई है,
जो कि यहाँ के बीजेपी के नेता आशीष जी शर्मा, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और उनकी बहन जो छोटी बहन है वो धर धर भटक रही है, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए आदिवासी समाज भी उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और हम लोगों ने भी उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए, लेकिन दिखाने वाले थे इसके पहले हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि शासकीय अस्पताल में गर्भवती महिला को सुविधा नहीं मिलती है, यहाँ के डॉक्टर्स उन्हें हरदा और इंदौर रेफर कर देते हैं, यहाँ की सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं जो यहाँ के विकास कार्यों की पोल खोल रहे हैं। खातेगांव में देखा जाए तो अभी तो जनता के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, जहाँ देखो वहाँ पर रोडों पे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल बनाया, लेकिन हॉस्पिटल में जो सुविधा होना चाहिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभी मैं 2-4 दिन पहले ही वहाँ पे हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने देखा कि कुछ गर्भवती महिलाएं तड़प रही थी, लेकिन वहाँ पे उनको देखने के लिए डॉक्टर भी नहीं थे, उन्हें रेफाई बाहर करना पड़ता है, और बाहर करने की जगह उन्हें रास्ते में गड्ढे रहते हैं तो उनसे बड़ी असुविधा होती है। कहीं उनको हरदा रेफाई कर देते हैं, कहीं इंदौर रेफाई कर देते हैं, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करे, आप मुझे बताइए। इस कारण से यहाँ पे बीजेपी का पलवा नीचे गिरता दिख रहा है और कांग्रेस इस बात पे आगे जा रही है और कांग्रेस इस बार जीतेगी। वहीं भाजपा पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री दीपक जोशी की खातेगांव विधानसभा में सक्रियता उनकी क्षेत्र से विधायक पद की दावेदारी दिखा रही है। पूर्व मंत्री ने क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करते हुए यहां के विधायक आशीष शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल खड़े किए हैं। 31 जुलाई को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री खातेगांव विधानसभा में रोड शो करने पधारे थे, लेकिन इस शो में पूरे देवास जिले और देवास जिले के आसपास से लगभग 400 बसों के माध्यम से लोगों को रोड शो देखने के लिए आमंत्रित किया। क्या मुख्यमंत्री जी में इतने जनता के प्रति समर्पण नहीं है कि वो खातेगांव कन्नौज की जनता को ही वहाँ पे आमंत्रित कर लेते, बाहर से जनता बुलाकर वो क्या प्रदर्शित करना चाहते थे, ये तो उनकी मंशा है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि रोजाना एक नाटक, वो नाटक में भी एक ही किरदार, और वो किरदार जिसने मध्य प्रदेश को हमेशा नारों और जुमलों से जीतने का प्रयास किया, अभिनव योजनाओं का नाम दिया, लेकिन योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुंचने से पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयत्न नहीं किया। प्रशासनिक अराजकता इतनी है कि लाड़ली बहनें लाइनों में घंटों लगी रही, हफ्तों लगी रही, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ये उनके बुधनी विधानसभा क्षेत्र का ही किसी पत्रकार ने अपने वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया था। ऐसे दृष्टिकोण में मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के समय ये सब बातें याद आ रही हैं। ये रोड शो उनको अपने मुख्यमंत्री के उस कार्यकाल में करना था जब जनता की वाकई में सुविधा दे सकते थे। घोषणाएं बहुत करी उन्होंने, क्या इन घोषणाओं को अमली जमा पहना पाएंगे, क्योंकि तो विधानसभा का सत्र भी नहीं है, कानून की परिधि में वो बात नहीं आती। ऐसे दृष्टिकोण में इस प्रकार की योजनाएं निरर्थक है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे को लेकर किसान नेता किसान वंशी रणजीत पटेल ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री का खातेगांव में रोड शो हुआ और वो यहाँ पे पधारे थे, उसको लेकर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर, सब वर्ग एक आशा और उम्मीद से उस दौरे को देख रहे थे कि वो आएंगे तो निश्चित तौर से क्षेत्र के लिए कुछ सौगात लेकर आएंगे। लेकिन उस दिन ये देखने में आया कि हर वर्ग को पुलिस द्वारा दमन किया गया, पुलिस द्वारा हर वर्ग का, जो जो लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम साहब के समक्ष मांग उठाना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनको पुलिस ने बर्बरतापूर्वक बंद किया, किसी को नजरबंद कर दिया, किसी को जेल में थाने में डाल दिया, और कुल मिलाकर क्षेत्र को लेकर उनके जो पिटारे, उनके जो तर्कस, जो वो कहते हैं मेरे तर्कस में अभी बहुत बाण बाकी है, उस तर्कस में खातेगांव के लिए कोई भी बाण नहीं था। खातेगांव में पिछले लंबे समय से जिला बनाने की मांग हो रही, इस विषय पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। खातेगांव में 100 से गांव ज्यादा गांव असिंचित है हंडिया बैराज के बावजूद भी, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। खातेगांव में किसान लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं जिला सहकारी बैंकों की,
पर्याप्त शाखा नहीं है उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय थे यहाँ पर, जो सड़कें बेहाल है, जो सड़कों का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर खराब है, गांव में स्कूलों की स्थिति खराब है। टोटल मिला के उन्होंने केवल इसको एक चुनावी सभा का रूप दे दिया। खातेगांव को इस पूरे कार्यक्रम में कुछ नहीं मिला। जैसा कि आपने देखा कि खातेगांव विधानसभा में भाजपा की क्या स्थिति है, कांग्रेसियों के आरोप मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। विकास कार्य नहीं होने से आने वाले समय में विधायक आशीष शर्मा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने से कांग्रेस की स्थिति भी पहले से मजबूत हो गई है।